मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। नागरिकता संशोधन कानून को लेकर हुए गलत तरीके से बयानबाजी से जिस तरह से दिल्ली में दंगे हुए हैं, इसी नागरिकता संशोधन कानून पर बोलते हुए कैबिनेट मंत्री जितेंद्र हवाड़ ने कहा कि मुंबई में उद्धव ठाकरे की वजह से दंगा नहीं हुआ है। बीजेपी पर आरोप लगाते हुए मंत्री जितेंद्र हवाड़ ने सवाल खड़ा किया है कि बीजेपी की मानसिकता मुंबई में भी बहुत कुछ करने की थी। दिल्ली में दंगे हुए, दूसरा सेंटर मुंबई में हो, ऐसी मानसिकता बीजेपी की थी, मगर मुंबई में उद्धव ठाकरे के होने की वजह से ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ, क्योंकि हमें मुंबई का भाईचारा बनाए रखना है। नागरिकता संशोधन कानून की लड़ाई किसी जाति मजहब से नहीं है, बल्कि इसकी लड़ाई सभी से है। और आरोप लगाते हुए कहा है कि बीजेपी की मानसिकता मुंबई में जो कुछ करने की थी, मगर उद्धव ठाकरे ने मुंबई के भाईचारे को बरकरार रखा। ये तो सभी संघी कार्यकर्ता जो बागपत से आए थे, जो मुर्शिदाबाद से आए थे, जो मोरादाबाद से आए थे, वो ट्रक और बसों में भरकर आए थे, यहां पे दंगे कर रहे थे। दंगाइयों को रोकने के लिए कोई नहीं था और दंगे सरायाम चल रहे थे। अब सरकारी दंगाइयों के साथ है तो फिर दंगे रुकेंगे कैसे? ये तो मैं ऊपर वाले का शुक्रगुजार हूं कि बंबई में आज उद्धव जी ठाकरे बैठे हैं, और इसलिए बंबई में जो कुछ करने की मानसिकता बीजेपी की थी, देखो दो सेंटर पे लफड़े हो गए, एक दिल्ली में और बंबई में, पूरा देश खत्म। उनकी मानसिकता थी यही कि ये बंबई में भी होना चाहिए, पर बंबई में हम कुछ भी नहीं होने देंगे, कुछ भी। हम यहां का भाईचारा बरकरार रखेंगे, और यही नहीं तो इस माध्यम से पूरे देश से अपील करेंगे कि एनपीआर सीए और एनआरसी की जो लड़ाई है वो किसी धर्म और जात की लड़ाई नहीं है। ताजा तरीन खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर देखते हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।